नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। 21 दिन के लॉकडाउन के चलते अमृतसर के कुछ हिस्से जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, जो कि पेशे से दिहाड़ीदार हैं, उनका निर्वाह बहुत मुश्किल से हो रहा है। भूख से बेहाल होकर वे लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनकी सरकार से अपील है कि उन्हें भी घरों में राशन पहुँचाया जाए और सुरक्षा के लिए मास्क आदि भी मुहैया करवाए जाएँ। अमृतसर से संवाददाता अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज़ से तुहाड़ा स्वागत है। मैं रिपोर्टर अजय शर्मा, अज असी खड़े हाँ अमृतसर के एक ऐसे इलाके दे विच जिते एक छोटी जी बस्ती जिन्हों असी कहांगे कि लोहगढ़ दा इलाका और एक बस्ती है, तुसी देख सकते हो मेरे बैक साइड ते भी। मैं कैमरामैन नूं चाहवांगा कि उह दिखाण कि यह सारी बस्ती जिहड़ी है बहुत ही मिडल फैमिली, यानी कह सकते हैं आपां कि बहुत ही गरीब फैमिली, गरीब परिवार ने। अज तुसी देख सकते हो कि सारे परिवार जिहड़े ने एक घरां तों बाहर आ के एक दुहाई लगा रहे ने कि साडे कामकार बंद हो चुके ने, क्योंकि इन्हां दे कामकार भी जिहड़े सी उह भी सिर्फ किसी दा बूट पॉलिश सी, कोई रिक्शा चालक है या कोई छोटी मोटी दिहाड़ी करके अपने घर दा राशन दा गुजारा करदा सी, अपने बच्चों का पेट पालदा सी। सो मोदी सरकार ने जो अपील की है कि कर्फ्यू लगाया जाए और दुनिया इधर तो उधर ना जाए, कामकार सारे ठप्प हुए ने, पर इतों के जेडे दिहाड़ीदार बंदे ने उन्होंने भी इस चीज़ का प्रॉपर पालन किया। बट अज जो एक उन्होंने अंदरों आवाज़ आई है कि साढ़े वास्ते भी मोदी सरकार कुछ करे, क्योंकि वो राशन तो भुखे बैठे ने, पानी की प्रॉब्लम इन्नी आ रही है, कुछ भी उन्होंने जरिया नहीं बन रहा। सो असी उन्होंने गलबात करा, तुम देख सकते हो असी बस्ती वाले आ रही है जी, साढ़े जी बच्चे बूट पालस कर दे, बूट पालस कर देना, साडा इत्थे बेरोजगार ने, बच्चे काम ते जांदे ने, काम बंद हो गया, दाना राशन पानी पहुंचाया जावे, साडी गरीब जनता भुखी मरदी पई, की काम कर आ गंद पिया दा, गंदी बस्ती हो गई जी, इन्ना गंद, बूट पालस कर दे जी, बूट पालस कर दे, मंग के खाने आ, किसी का पुत्र है नहीं, किसी का खसम है नहीं, कमाण वाला ते मंगणे जांदियां ने, ते बूट पालस जिन्हां दे बच्चे करन वाले ने ओह काम बंद हो गया दा, रोटी तो भी अंतजार, चाह तो भी अंतजार। असीं इह कहना चाहवांगे कि जी साडी भी सहूलत कीती जावे, सानू भी कोई राशन पहुंचाया जावे, सानू कुछ इत्थे होर भी, कुछ इत्थे होर भी लोग मौजूद ने, असीं उहनां नाल भी गल्लबात करांगे। हां जी, की दिक्कत दा सामना? बस जी, दिक्कत सानू इही है कि बस साडे बच्चां नूं राशन मिल जावे, भुखे मर रहे बेचारे, मंदिर बंद हो गए जिथे मंगणे जांदे सी, बस आवाजा रोक के बह गए जी। की दिक्कत का सामना करना पै रहा? मैं बेनती करना है अपना कैप्टन सरकार अगे कि सब तो पहले तो साढ़े इस महल के गंदगी बहुत है, वो गंदगी इस करके है कि भी इतने सीवर कोई नहीं है, दूसरा ये आफत आ गई है साढ़े पूरे महल के उत्ते, ये आफत ऐसी आई है कि भी सब घर दरवाजे जोड़े बंद हो चुके हैं, शहर से कर्फ्यू लग चुके हैं, बच्चा जरा सा कमान जाने वाला, पालिश करने वाला, कोई फेरी करने वाला, वो सब बंद हो चुके ने, आज चार दिन हो गए ने जिहड़े राशन सी वो खत्म हो गए ने। हुण साडी ये सरकार अगे गुजारिश हैगी है कि साडी गरीब जनता भी साडी सोच कीती जाए और इस चीज़ उत्ते अमल किया जाए कि भी ये साडी गरीब जनता जिहड़ी है भुखी ना मर जाए। जिहड़ी ये बीमारी फैली हुई है करोना, उहदे वास्ते तुहानूं मास्क अलाउड कीते गए, तुसीं मास्क नहीं लगाया? कोई चीज़ हाले तक, कोई चीज़ हाले इत्थे तक नहीं आई, ना ही कोई दवाई इत्थे छिड़की गई है, बस रब आसरे बैठे हुए हैं। किन्नी क पापूलेशन है तुहाडे इत्थे बस्ती दे विच, किन्ने क जाने ने टोटल? कम से कम साडा 100 ते कोई 10 के घर है, 110 घर ने जिन्हां दे विच तुसीं देख सकदे हो कि मेरे हिसाब नाल 500 तो वध 600 तो वध भी लोग इत्थे मौजूद ने। सो जिन्हां नूं ऐसी बीमारी जिहड़ी है करोना वर्गी भयानक बीमारी फैली हुई है उन्हों मद्देनज़र रखते हुए पंजाब सरकार नूं चाहीदा सी कि इन्हां गरीब जनता वास्ते भी मास्क या सैनिटाइजर फ्री अलाउड किए जान, बट इन्हां वास्ते भी अजे तक कोई भी मास्क अलाउड नहीं होया। तो तुसी देख सकते हो कि जनता तुहानूं खुद ही कह रही है कि पंजाब सरकार साढ़े वास्ते कुछ ना कुछ करे। सो असी पंजाब सरकार अगे यही अपील करांगे कि जिहड़ी जनता है, गरीब जनता है, मिडल वर्ग के लोग ने, इन्हां वास्ते भी कुछ ना कुछ किया जाए, इन्हां दे राशन वास्ते कुछ ना कुछ किया जाए, जां इन्हां नूं कुछ हैंड सैनिटाइजर और मास्क और ग्लव्स वगैरह इन्हां नूं प्रोवाइड किए जान। सो कैमरामैन विशाल कुमार दे नाल, रिपोर्टर अजय शर्मा, इंडिया क्राइम न्यूज़ 24, अमृतसर।